हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। वी वर ऑन चैप्टर नंबर 7। जो हमारा चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। इसमें हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था, दैट इज़ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो मेन कंपाउंड जो है वो नाइट्रिक एसिड था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी ब्राउन रिंग टेस्ट। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड ये टेस्ट है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर हमारा जो नाइट्रिक आयन है, नाइट्रेट जो है NO3-, ठीक है। द टेस्ट इज़ यूजुअली कैरीड आउट बाय द एडिंग डाइल्यूट फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर डाइल्यूट फेरस सल्फेट मीन्स FeSO4 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देन FeSO4, Fe इज़ हैविंग +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर FeSO4 हमें Fe+2 देगा, और उसके बाद हम यहाँ पर एक और जो हम सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पर, दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, चाहे HNO3 हो गया, तो HNO3 में नाइट्रेट आयन होगा। उसके बाद हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा यूज़ करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या देगा, H+ आयन, क्योंकि एसिड है तो वो H+ आयन देगा। तो हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके के आयन हो गए। वन इज़ नाइट्रेट आयन, जो कि हमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट, जो भी सॉल्यूशन है जिसमें कि नाइट्रेट प्रेजेंट है, वो हमें नाइट्रेट आयन देगा। देन हमने फेरस सल्फेट यूज़ किया, दैट Fe+2 हमें वो देगा, और हमने H2SO4 यूज़ किया जो कि हमें H+ देगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके के आयंस हो चुके हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जो Fe+2 है, ये जो रिंग टेस्ट है ये डिपेंड करता है कि Fe+2 जो है वो रिड्यूस कर देता है नाइट्रेट्स को, किस में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो रिड्यूस मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। तो NO3 में ओ जो है वो 3 है, आप इधर देख लीजिए ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब द ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारा, देखो, जो नाइट्रेट आयन है, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, उसके बीच में एक ब्राउन रिंग बन जाएगी, और ये ब्राउन रिंग हमें क्या बताती है, नाइट्रेट आयन के बारे में बताती है। तो अब आता है हमारे पास यूज़ द मेजर यूज़ ऑफ द नाइट्रिक एसिड इज एन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट। फर्टिलाइजर के लिए इसका यूज़ किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड अदर नाइट्रेट्स, क्योंकि प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, नाइट्रेट के फॉर्म में ही प्लांट्स जो हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। और नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है। फॉर यूज़ एक्सप्लोजिव एंड पायरोटेक्निक्स, एक्सप्लोजिव बम वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है, और पायरोटेक्निक्स जो कि क्रैकर्स से रिलेटेड जो भी दिवाली पे हम यूज़ करते हैं वो पायरोटेक्निक्स हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT जिसे वो हम बोलते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड में इसका यूज़ होता है। द मेजर यूज़ आर इन द पिकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री जो है वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है, एंड एचिंग ऑफ मेटल एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। और एचिंग ऑफ मेटल मतलब मेटल्स की कटिंग करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, एंड ऑक्सीडाइजर रॉकेट फ्यूल में एज ए ऑक्सीडाइजर भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस जो है हमारे पास, जस्ट वेट, एलोट्रॉप्स हमारे पास हम थे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस जो हमारे पास चल रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर 15th, पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 15th के बारे में बात हो रही है। तो हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं फॉस्फोरस के बारे में। देन फॉस्फोरस वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, हाँ, मेनली फाउंड इन फॉर्म ऑफ द मिनरल्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। फॉस्फोरस फाउंड इन मेनली एलोट्रॉप फॉर्म। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बता चुकी हूँ आपको मैं। तो फॉस्फोरस भी हमें एलोट्रॉप फॉर्म में मिलता है। कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं इसके, 3 कलर का होता है फॉस्फोरस, वाइट होता है, रेड होता है, एंड ब्लैक होता है। वाइट फॉस्फोरस के बारे में हम पढ़ेंगे। वाइट फॉस्फोरस जो
है इज अ ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसपेरेंट जिसकी कि हम लाइट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकती है, उसको क्रॉस कर सकती है, और ट्रांसल्यूसेंट जिसमें कुछ लाइट जो है वो क्या कर सकती है, इमर्ज हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट. कुछ थोड़ी बहुत लाइट बाहर निकल सकती है. वाइट वैक्सी सॉलिड होता है. इट इज़ अ पॉइजनस, इन सॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड ग्लोज इन डार्क. अगर डार्क अंधेरे में देखा जाए इसको तो ये चमकता है, मतलब कैमी लुमिनेंस इसको हम बोलते हैं. कैमी मतलब केमिकल और लुमिनेंस मतलब होता है चमकना. तो कैमी लुमिनेंस होता है इसमें. इट डिजॉल्व इन बॉइलिंग एन एच सोल्यूशन एंड इनर्ट एटमोसफियर गिव्स PH3 ए पॉइजनस गैस. यहाँ पर जो है हमारे पास फॉस्फोरस जो है वो वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पॉइजनस गैस देता है, डेट इज़ फॉस्फिन. अब आता है हमारे पास वाइट फॉस्फोरस इज़ अ लेस स्टेबल, less stable and therefore more reactive than other solid phase under the normal condition because of angular strain in P4 molecule where the angles are only 60 degree. It readily catches fire in air. आप उसको हाथ में रखोगे ना तो भी ये क्या हो जाता है, मतलब फायर को कैच कर लेता है आराम से. तो इट रेडिली कैचेज फायर इन एयर टू गिव द डेंस वाइट फ्यूम्स. फॉस्फोरस ऑक्साइड बना लेता है जिसमें P4O3 होता है इसका. तो फॉस्फोरस अब डेफिनेटली कोई चीज है, इट मीन्स इट इज़ रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन. तो फॉस्फोरस विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म P4O10. इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 317 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 553 केल्विन. इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल एज शोन इन फिगर. आपको दिखाई दे रहा होगा P4 मॉलिक्यूल. यहाँ पर फॉस्फोरस जो है वो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जिनके बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री. रेड फॉस्फोरस की हम बात करें, रेड फॉस्फोरस जो आपको कहाँ नज़र आएगा, जो माचिस की तीली होती है उसके आगे जो लगा होता है वो क्या है, रेड फॉस्फोरस है. रेड फॉस्फोरस ऑप्टेन बाय द हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस. इसी वाइट फॉस्फोरस को हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेड फॉस्फोरस मिलता है. 573 केल्विन पर हम वाइट फॉस्फोरस को गर्म कर लेते हैं. इनर्ट एनवायरमेंट, इनर्ट एनवायरमेंट क्यों बोला हमने, कि फॉस्फोरस जो है वो किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तभी तो वो किसी और चीज़ में चेंज होगा. फॉर सेवरल डेज व्हेन रेड फॉस्फोरस is heated under the high pressure and series phase of the black phosphorus are formed. इसके बाद जो red phosphorus है इसी को ही अगर हम आगे गर्म करें, white को गर्म करेंगे तो red मिलेगा, red को और गर्म करेंगे तो हमें black phosphorus obtain होता है. red phosphorus processes iron green luster. इसका जो चमक होती है इसकी वो कैसी होती है, iron green जैसी होती है. It is odorless, non-poisonous and insoluble in water as well as carbon disulfide. Red phosphorus is not poisonous in nature. Chemically, red phosphorus is much less reactive than white phosphorus. White phosphorus जो है वो बहुत reactive होता है और red phosphorus जो है वो ज़्यादा reactive नहीं होता है. It does not glow in dark. इसमें chemoluminescence नहीं पाया जाता है. It means it does not show chemiluminescence as a white phosphorus. Red phosphorus is a stable allotrope which does not glow till 543 Kelvin. 543 Kelvin तब तक इसको नहीं दिया जाए temperature तब तक ये glow नहीं होता है. It is a polymeric consisting of the chain. Polymeric मतलब ये chain बनाता है. फॉस्फोरस जो है वो आपस में कनेक्ट होकर एक चेन स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब कैटेनेशन होता है इसमें. टेट्राहेड्रल लिंक टुगेदर. टेट्राहेड्रल मतलब चार फॉस्फोरस मिलेंगे और टेट्रा बॉन्ड बनाएंगे, इस तरीके से आपको जो डायग्राम में नज़र आ रहा होगा. रेड फॉस्फोरस डज नॉट रिएक्ट विद कास्टिक सोडा एंड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द जो ऊपर देखा था अपने जो ये रिएक्ट कर लेता था किससे, हाइड्रोक्साइड से, लेकिन ये कास्टिक सोडा से रिएक्ट नहीं करता है. एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द वाइट फॉस्फोरस ऑन दिस बेसिस. वाइट फॉस्फोरस कास्टिक सोडा से रिएक्ट कर लेता है, और जबकि हमारे पास जो हमारे पास कौन सा फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है, ये रिएक्ट नहीं करता है कास्टिक सोडा से. कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द वाइट फॉस्फोरस ऑन दिस बेसिस. आसानी से फॉस्फिन गैस बनती है उसमें, जबकि इसमें नहीं बनेगी. इसका मतलब ये कौन सा फॉस्फोरस हुआ, रेड फॉस्फोरस हुआ. व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन एंड
inert atmosphere and its vapor are cooled in water, it again gives the white phosphorus. Red phosphorus को हम गर्म करेंगे फिर ठंडा कर लेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, white phosphorus मिल जाएगा. Black phosphorus has two form, alpha and beta, जो इसकी form होती है. Alpha, black phosphorus is formed when red phosphorus is heated in a skid tube, sealed tube at 803 Kelvin पर हम किसको गर्म करेंगे, रेड फॉस्फोरस को, तो हमें अल्फ़ा मिलेगा. एंड इट कैन बी सब्लीमेटेड इन एयर एंड हैज़ ओपेक मोनोक्लिनिक रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल. ये क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है हमारे पास. मोनोक्लिनिक का मतलब होता है एक के ऊपर एक लेयर जैसी जमी होती है इसकी. इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एन कहाँ थे अपन इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर. बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो है प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग वाइल फॉस्फोरस 8473 वो 803 पर ऑब्टेन हो रहा था जबकि ये 473 केल्विन पर ऑब्टेन हो रहा है. अंडर द हाई प्रेशर इट डज नॉट बर्न इन एयर. इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर. देख लीजिए आप 99 जो है बॉन्ड एंगल है यहाँ पर. तीनों तीन एक्सिस है इसकी तो उसमें 99 जो है वो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है. तीन फॉस्फोरस आपस में करेक्ट होते हैं बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से. इट इज़ द फॉर्म ऑफ बाई लेयर क्रिस्टल लैटिस. आपको बताया था कि लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये. और इसका जो यूनिक जो बॉन्ड तीनों की बॉन्ड जो लेंथ है वो एक जैसी होती है इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसको हमने बोला मोनोक्लिनिक. अब आता है हमारे पास इट हैज़ ब्लैक मेटेलिक लस्टर. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 860 केल्विन. फॉस्फिन बना था ऊपर. ठीक है, जब हमने जो हमारे पास फॉस्फोरस है, NaOH है और वाटर तीनों को मिलाया था तो हमारे पास एक गैस बनी थी, वो थी फॉस्फिन गैस, दैट इज़ पॉइजनस गैस. तो फॉस्फिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, फॉस्फोरस के कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं. तो फॉस्फिन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.